हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9। एक्सरसाइज 6.1 हमारी हो चुकी है, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक फिगर आपको दी हुई है, उसमें किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, एक्स एंड वाई की। देन शो दैट, फिर हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी का। ठीक है, आपको ये प्रूव करके दिखाना है, तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इन द गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर दी हुई है, एक ए बी लाइन है, एक सी डी लाइन है, एक उसके ऊपर हमारे पास एक लाइन डाली गई है, जो कि जब हमारे पास कोई भी दो लाइंस हैं, दो लाइंस को कट करने के लिए एक थर्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। इन द गिवन फिगर ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस ए बी एंड सी डी। इस फिगर के अंदर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, टोटल 180 का एंगल बनेगा, और यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है 50, और यहाँ एंगल कितना है x। तो दोनों का प्लस करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के इक्वल। क्या लिखेंगे, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 130। y भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 130। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट है, ये जो आपके पास लाइन है इसका वर्टिकली अपोजिट कहाँ होगा, यहाँ होगा, और इसका वर्टिकली अपोजिट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इसका x का वर्टिकली अपोजिट कौन हो गया, y, कि इसलिए क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू 130, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल x है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल y के इक्वल हो गया, 130 हो गया। अल्टरनेट एंगल भी हो गए हमारे पास, कैसे, अगर एंगल y 130 आ गया तो ये भी इसका अपोजिट है, तो ये भी क्या है, 130 है। तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे अल्टरनेट एंगल से, कि ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एक्जियम से। हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स का जो कन्वर्स है उसके एक्जियम्स के अकॉर्डिंग हमने कर दिया, कि जब दो लाइंस हैं उनके अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स वगैरह सब इक्वल दे रखे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, लाइंस आर पैरेलल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें गिवन क्या है कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू। ये क्वेश्चन आपको है, गिवन है, और ये आपके पास फिगर है। फिगर में क्या दे रखा है कि ए बी सी डी और ई एफ, तीन लाइन दे रखी हैं, ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के और सी डी पैरेलल दे रखा है ई एफ के। तो ये हमने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा था कि ए बी इक्वल है सी बी सी के, तो सी डी इक्वल है, बी सी इक्वल है सी डी के, तो ए बी और सी डी भी इक्वल हैं। तो वही है बेटा, ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी भी पैरेलल हो जाएगी किसकी, ई एफ के। अब गिवन क्या है हमारे पास, y और z, इन दोनों की रेशियो क्या दे रखी, 3:7। अब देखते हैं x हमें फाइंड करना है, तो लेट y इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 3a, और z इज इक्वल टू 7a। अब हमारे पास एंगल क्या है, डी एच आई, जो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। y हमारे पास क्या है, ये आपके पास y एंगल है, और इसका नाम क्या है, डी एच आई। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसी का तो अपोजिट यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो वर्टिकली अपोजिट होगा इसके, तो इसको भी हम डी एच आई, इस एंगल को भी क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख दिया, वाई। और ये हमारे पास क्या है, वाई। तो दूसरा हमारे पास क्या एंगल है, एफ आई एच, ये हमारे पास क्या है, जेड। तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 180, क्यों, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल है उसकी सेम साइड पे इंटीरियर एंगल। ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल था, इसकी सेम साइड ये हो गई ना, दोनों में सेम साइड, और क्या है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे इंटीरियर, इंटीरियर क्या होता है, अंदर की साइड जो एंगल बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, तो इनका दोनों का सम भी कितना आना चाहिए, 180। तो हमारे पास y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। y क्या ले रखा है, 3a, और z क्या है, 7a इज इक्वल टू 180, 10a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180, इधर आएगा 10, डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 18 डिग्री। y क्या आ जाएगा, 3a था, तो 3 मल्टीप्लाई 18 54, और z क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 18 क्या आ जाएगा, 126। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। अब x और प्लस y,
इस पे भी वही कंडीशन है कि ए के ट्रांसवर्सल पे सेम साइड पे दो एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए 180। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और वाई हमने फाइंड कर लिया, तो क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आई 54 इज इक्वल टू 180। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 54, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 126 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ई एफ पैरेलल, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और ई एफ है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। परपेंडिकुलर है टू मीन्स कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का। जी ई डी इज इक्वल टू जी ई डी, और ये हमारे पास टोटल कितना है 126 डिग्री। ये 90, ये 126 है टोटल, तो 126 में से 90 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। फाइंड एंगल ए जी ई, हमें क्या क्या फाइंड करना है, ए जी ई, एक तो ये एंगल फाइंड करेंगे, दूसरा हमारे पास क्या फाइंड करना है, जी ई एफ, जी ई एफ ये फाइंड करेंगे, और थर्ड है हमारे एफ जी ई, एफ जी और ई, और थर्ड ये एंगल फाइंड करेंगे, तीन एंगल फाइंड करेंगे हम। देखो कैसे, बिल्कुल सिंपल है। इन फिगर ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के, और ई एफ वो परपेंडिकुलर है सी डी के, जी ई डी हमें 126 दिया हुआ है। तो देखो ए जी ई, जो हमारे पास एंगल ए जी ई है, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, इसका अल्टरनेट एंगल कहाँ होगा, एल जी ई पे। कहाँ है एल जी ई आपके पास, एल जी, एक मिनट, एल जी ई, Z हमारे पास ये आ गया बेटा, E हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इसका अल्टरनेट एंगल कहाँ बनेगा, इधर बनेगा आपके पास इसका अल्टरनेट एंगल। तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास कितना है, ये टोटल 126 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 126 आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं। तो ए जी ई क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा, और जी ई एफ फिर हमें निकालना है, जी ई एफ ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास 90 का है, तो 126 में से 90 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, टोटल 126 है, माइनस कर देंगे डी ई एफ, और डी ई एफ कितना है 90 डिग्री, तो 126 माइनस 90 कितना आ जाएगा 36, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 36। एंगल 2 निकाल लिया हमने और ये निकाल लिया, अब आपके पास ये रहता है, तो हमारे पास क्या है, देखो कोई भी दो एंगल है ए जी ई, ये हमारे पास जो एंगल है ए जी ई प्लस ई जी एफ, इन दोनों का सम भी कितना आना चाहिए 180, और ये आपके पास कितना आ गया अकेला 126 का, तो ये फाइंड कर लेंगे ए जी ई प्लस ई एफ जी ई इज इक्वल टू 180, ये हमारे पास 126 है, प्लस इसका नाम रख देंगे इज इक्वल टू 180, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 180 माइनस 126 इज इक्वल टू 54, तो ये एंगल आपको कितना मिल गया 54 मिल गया, ये 126 मिल गया, और ये कितना मिल गया 36। यही तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या है, इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी। आपको क्या दे रखा है फिगर के अंदर, कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, एस टी के, एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130। फाइंड एंगल क्यू आर एस। आपको ये है फिगर, आपके पास जो फिगर है वो ये गिवन है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या क्या दे रखा है और क्या निकाल लेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग देखते, देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो एक बार। इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी, जो पी क्यू है हमारे पास वो पैरेलल है किसके, एस टी के, ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस लाइन के, और आगे क्या दे रखा है एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर यहाँ पर एंगल कितना है 110 और यहाँ पर एंगल कितना है आर एस टी, ये एंगल कितना 130, एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे तब एक ट्रायंगल बनेगी, इन दो एंगल्स का पता कर लेंगे, फिर ये निकाल देंगे हम।
उसके लिए हमें देखो क्या क्या करना है, एक यहाँ से एक्सटेंड कर लेंगे ताकि इस पॉइंट का पता चल जाएगा हमें। क्या किया, एक्सटेंड पी क्यू, जो पी क्यू लाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक है, वाई तक है। एंड ड्रो, और एक लाइन ड्रो कर ली हमने एल एम, किसके पैरेलल, जो एस टी के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ ये दोनों तो पैरेलल हैं ही, ये है इसके पैरेलल, हमने एक और लाइन ड्रो कर ली। तो जो लाइन ड्रो की वो पी क्यू के भी पैरेलल होगी और एस टी के भी पैरेलल होगी, तो एल एम पैरेलल टू एस टी थ्रू आर, किस पॉइंट से, आर पॉइंट से। अब देखो एंगल टी एस एक्स, हमारे पास एंगल देखना है हमें कि टी एस, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया एक्स, टी एस एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, इसका अल्टरनेट कहाँ होगा, इधर हमारे पास ये एंगल, तो इसका अल्टरनेट यहाँ आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे जो एंगल है उसका नाम क्या रख रखा है हमारे पास, क्यू एक्स एस, क्यू एक्स एस, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 130, ये 130, तो ये भी क्या आ जाएगा 130, और इसके टोटल एंगल्स का सम कितना आएगा 180 आएगा। तो क्या निकाल लेंगे, देखो एंगल क्यू एक्स एस इज इक्वल टू 130, अब दोनों एंगल का नाम लिख लेंगे, एंगल क्यू एस एक्स प्लस एंगल आर एस एक्स इज इक्वल टू 180, तो क्या आ जाएगा 180 में से 130 माइनस कर देंगे, आर एक्स क्या इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना आया 50, ये एंगल हमें मिल गया कितने डिग्री का है, ये 50 डिग्री का। अब दूसरा हमारे पास क्या है, इसी तरह से हमें एक क्या दे रखी है पी क्यू आर, पी क्यू आर आपके पास एक ट्रायंगल है, वो आपके पास कितने की है 110 डिग्री की, पी क्यू आर कितना है 110 दे रखा है, और अगर हम इसका अल्टरनेट देखते हैं तो इसका अल्टरनेट कहाँ बनेगा, इसका अल्टरनेट इधर बनेगा क्यू आर एम, ये हमारे पास इसका अल्टरनेट बनेगा, ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, दोनों इक्वल हैं तो ये भी क्या आ जाएगा 110 के इक्वल आ जाएगा। फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या थी, आर एक्स क्यू, आर एक्स क्यू हमारे पास गिवन है, आर सॉरी गिवन ये आर एक्स क्यू, ये हमारे पास जो एक्स है ये कितना है 50 है, और ये अगर 50 है तो दूसरा क्या दे रखा है एक्स आर एम, ये 50 है तो इधर का भी कितना होगा 50 होगा, टोटल कितना 110 में से 50 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और अगर हमें फाइंड करना था आर, तो हमें आर कितने का मिल गया 60 डिग्री का, फिर अगर हमें ये भी फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, 60 प्लस 50 कितना आ जाएगा 110, और 180 में से 110 माइनस कर देंगे क्या बचेगा 70 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, आपके पास फिगर दी हुई है उसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, और एंगल ए पी क्या इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इज इक्वल टू 127, फाइंड एक्स एंड ए वाई, ये आपके पास फिगर दी हुई है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और एक आपके पास एंगल दे रखा है पी आर डी इज इक्वल टू 127, और ए पी क्या कितना दे रखा है 50, एक्स और वाई की हम वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे। देखो गिवन में क्या है आपके पास, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, और ए पी क्या कितना दे रखा है 50 डिग्री, पी आर डी कितना दे रखा है 127। अब हमारे पास पेयर देखते हैं तो किन किन का सम 180 आएगा, अगर हमारे पास एंगल ए पी क्यू आपके पास गिवन है प्लस पी क्यू सी, क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस पी क्यू सी, कि यहाँ पे अगर 50 डिग्री है तो हमारे पास पी क्यू सी यहाँ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ये 50 है ये आपके पास एक्स है, पेयर ऑफ कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कोई भी हमारे पास पेयर है कि अगर हमारे पास पेयर लेके चल रहे कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जुकेटिव क्या होता है कंटिन्यू, इंटीरियर एंगल अंदर के एंगल, ये भी इसके अंदर एंगल है, ये भी इसके अंदर एंगल है, और दोनों एंगल्स का सम क्या होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स 180, तो क्या लिख देंगे, ये हमारे पास गिवन है 50 प्लस एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 180, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा इसका सम प्लस इसका सम, दोनों का सम कितना आ जाएगा 180, ये हमारे पास एंगल कितना आया 180, ये 50 दे रखा था आपके पास 180 माइनस 50 कितना आ जाएगा ये 130। फिर अगर एक लीनियर पेयर पे देखते हैं तो दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50। इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ए पी क्यू है उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ होगा, यहाँ होगा पी क्यू आर के ऊपर, ये भी ये 50 है तो ये भी क्या आ जाएगा 50। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है वाई,
वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 127, कोई भी ट्रायंगल है उसके दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल 127 है तो इसके इंटीरियर में इस ट्रायंगल के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम, यहाँ पे जो एंगल होगा उसको तो नेग्लेक्ट करेंगे, इसके अलावा ये दो एंगल्स हैं इनका सम किसके इक्वल होता है, इसके एक्सटीरियर एंगल के। क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 127, x की वैल्यू कितनी आई 50, प्लस वाई इज इक्वल टू 127, y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 आ जाएगा, कितना आएगा 77, x हमारे पास 50 आया और y हमारे पास 77 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस हमारे पास दो क्या है, मिरर प्लेस दे रखे हैं टू ईच अदर एक दूसरे के, एन इंसिडेंट रे ए बी स्टिक्स द मिरर पी क्यू एट ए बी, और जो इंसिडेंट रे है हमारे पास ए बी स्टिक पे, कोई ए बी हमारे पास स्टिक है, इंसिडेंट रे है द मिरर पी क्यू, पी क्यू के ऊपर डाली गई है एट बी, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पथ बी सी, जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो कहाँ मूव करेंगी, कि उसकी अपोजिट साइड में मूव करेंगी, अपोजिट साइड में मीन्स बी से सी की साइड आएंगे, एंड स्टिक द मिरर आर एस है, और किस मिरर पे डालेंगे वो इफेक्ट, आर एस पे एट ए पॉइंट सी पे, अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट डाला है उसका क्या डालेंगे सी डी पे। तो प्रूव करना है कि जो हमारे पास ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है। ये आपके पास एक फिगर दी हुई है, फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं, एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। हमारे पास क्या है ए बी, ये आपके पास फिगर है पी क्यू, और ये हमारे पास है आर एस, इसके ऊपर एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ डाल रखा है, एक बी पॉइंट है इधर से हमारे पास रे डाली हमने ए से बी पॉइंट पर, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे कोई सी पॉइंट है इधर से सी के ऊपर आई, सी से फिर जो इफेक्ट डालेंगी वो किस पॉइंट पे डालेंगी, डी पॉइंट पे डालेंगी, ये हमारे पास पॉइंट है डी, इधर से जाएंगे हमारे पास रे। अब हमारे पास जो एंगल्स हैं वो ड्रॉ कर लेंगे हम, इधर भी एंगल ड्रॉ कर लिया, इधर भी एंगल ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल वन, इसका नाम हमने क्या रख लिया एंगल टू, इधर हमारे पास एंगल थ्री आ जाएगा, इधर एंगल फोर आ जाएगा, और इसका नाम हमारे पास ई है, और ये आपके पास एफ है। इन पॉइंट्स से अब हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसे, एट पॉइंट बी, जो हमारे पास क्या दे रखा है पॉइंट बी, ड्रॉ बी ई, उससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बी ई से, किस पे, पी क्यू पे, और पॉइंट सी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया सी से एफ पे, किसके ऊपर, आर एस के ऊपर, तो जो सी एफ वो परपेंडिकुलर है किस पे, आर एस पे, इट मीन्स अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल वन है वो किसके इक्वल है, एंगल टू के इक्वल है, और इधर से एंगल थ्री है वो किसके इक्वल है, एंगल फोर के इक्वल है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो एंगल थ्री और फोर भी इक्वल हो गई। अब देखो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री हो जाएगा, एंगल टू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल थ्री के, कैसे, अल्टरनेट एंगल है एक दूसरे के, तो एंगल टू है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल थ्री के इक्वल हो गया। फिर हमारे पास तीन कंडीशन हो गई, वन टू थ्री, तो अब एंगल वन है वो किसके इक्वल बोल सकते हैं, एंगल वन था वो टू के इक्वल है, और टू है वो किसके इक्वल आ गया, थ्री के, थ्री किसके इक्वल है, फोर के, तो एंगल वन और फोर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो एंगल वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल फोर, दोनों को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड से मल्टीप्लाई बोथ साइड से बाय टू, टू से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल फोर, इसको हमने क्या लिख लिया, एंगल वन प्लस एंगल वन, इसको एंगल फोर प्लस एंगल फोर, एंगल वन, अब एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के, तो एक की जगह क्या लिख दिया, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर एज इट इज रख दिया, एक बार एंगल फोर किसके इक्वल है, एंगल थ्री के, एक जगह क्या लिख दिया, एंगल थ्री, तो क्या कर दिया कि एंगल वन प्लस एंगल टू इनका सम है वो किसके इक्वल है, एंगल थ्री प्लस फोर के इक्वल है। यहाँ पे एंगल जो बना हुआ है वो क्या है,
और इस एंगल का नाम रख देंगे। ये एंगल हमारे पास क्या है, बी सी डी। आपके पास ये जो एंगल है 1 और 2, ये क्या है, बी सी डी। ये एंगल और इधर हमारे पास जो एंगल बना हुआ है वो क्या है, ए बी सी। ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या बोल देंगे कि जो ए बी लाइन है वो भी क्या है, सी डी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू सी डी, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है तभी तो क्या बोल देंगे कि इसके, अगर देखो इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ऐसे आ जाएंगी, और इन दोनों के अल्टरनेट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो क्या बोल देंगे कि लाइन्स आर पैरेलल। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2। ओके, थैंक यू।